हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय आर्य शर्मा। आज मैं जो वीडियो आपके लिए आया हूँ, टाइटल ऑफ द पोएम इज द पासिंग ऑफ आर्थर। इस वीडियो में जो पोएम मैं बताने वाला हूँ, द पासिंग ऑफ आर्थर, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है। इट इज ए लॉन्गर पोएम, मोर टेडी आर्थर, बड़ी पोएम है। मोर्ट डी आर्थर इसका पूरा नाम है, मीन्स द पासिंग ऑफ आर्थर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज बॉर्न ऑन 6 अगस्त 1809 का इनका जन्म हुआ था इन ब्रिटेन, एंड ही डाइड इन 1892 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज के प्रतिनिधि कवि थे। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, बहुत बड़े कवि थे, महान कवि थे। और एक पोएम जो मोर डी आर्थर था और इनके रेपुटेशन को बढ़ा दी, बहुत ही अच्छी पोएम थी। इट इज ऑन ए किंग ऑफ फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी, पांचवी या शताब्दी सेंचुरी की बात है। किंग आर्थर वॉज अ सेमी लेजेंडरी किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के वो लेजेंडरी किंग थे। He was a very good king. He was the founder of knighthood. It is called the round table. Round table इनका इसका नाम रखा गया था। He was the founder. And round table का जो aim था to rebel the attacks of Saxon invader. जो Saxon invader थे, आक्रमणकारी थे, उनके आक्रमण को से बचाना था। To wage the attacks, wars. इसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने शामिल किया था, लेकिन जो विकेट पीपल थे, एनिमीज थे, उन्होंने संगठन बना करके अटैक कर दिया किंग आर्थर पर। इन दैट बैटल, इन दैट वार, द किंग वुंडेड बैडली, बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए, एंड ही हैड टू लीव हिज कंट्री, और अपने देश को छोड़ करके जाना पड़ा। अपने आप को कह सकते हैं अपनी जान को बचा करके भागना पड़ा। तो मैनी नाइट्स आइदर दे वेयर किल्ड, या तो मार दिए गए या फिर सरेंडर कर दिया, या जो विनमिस थे जिनका इनके राज्य पर शासन हो गया उनसे जाकर के मिल गए। बट एक इनका जो सरदार था, सर बेडिवियर, ही वॉज वेरी फेथफुल टू हिम, बड़ा वफादार था। ही डिड नॉट लीव द किंग, वो राजा को नहीं छोड़ा। व्हेन द किंग डिसाइडेड टू लीव विद हिज थ्री क्वींस, अपनी तीन रानियों के साथ छोड़ने का डिसीजन किया, तो ही वॉज गोइंग टू अवेलियन आइलैंड, अवेलियन आइलैंड में जा रहा था। तो ही वॉज सेटिंग इन लाइट बोट, एक छोटी सी बोट थी हल्की, ही वॉज सेटिंग इन द बोट विद हिज थ्री क्वींस, अपनी रानियों के साथ बैठा हुआ था। टू सी द बैड कंडीशन ऑफ द किंग, सर बेडेवियर स्टार्ट वीपिंग, रोने लगता है। द किंग कंसोल्स, राजा सांत्वना देता है, नॉट टू वीप, न रोने के लिए समझाता है। क्यों रो रहे हो? क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता ही है। आज मेरी सत्ता है, कल किसी और की थी, आगे किसी और की हो जाएगी, तो रोना नहीं। तो आपके जो कोर्स में है, केवल 18 लाइन्स इन योर सिलेबस, केवल 18 लाइन्स ही आपके सिलेबस में है। लॉन्गर पोयम है मोर डी आर्थर, द पासिंग ऑफ आर्थर, लेकिन 18 लाइन्स केवल आपके सिलेबस में है। और जो 18 लाइन्स है, मैं एक एक लाइन करके, एक एक स्टांजा करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से एक एक स्टांजा देखते चले, मैं पूरी पोयम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम पहला स्टांजा पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक स्टांजा करके मैं पढ़ते जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाएं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। And slowly answered. The King Arthur was sitting in his barge, अपनी नाव में, छोटी सी बोट जो होती, बार्ज कहते हैं, स्मॉल बोट। He sitting in his light boat, अपनी छोटी सी नाव में बैठा हुआ है। And answered, और राजा उत्तर देता है। King Arthur answered to Bedivere, Bedivere को
उत्तर देता है स्लोली बिकॉज द किंग इज वाउंडेड बैडली वाउंडेड, बुरी तरह घायल हो गया है, सो ही इज स्पीकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे बोल रहा है. ही सेज टू बेडिवियर द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू. ही टेल्स बेडिवियर दैट ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम कायदे, ऑर्डर, ऑर्डर से मतलब क्या है, ओल्ड सिस्टम, ओल्ड कस्टम, ओल्ड ट्रेडिशंस चेंज था, बदल जाते, ओल्ड सिस्टम चेंज था, पुराने नियम बदल जाते हैं. एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड देयर प्लेस इज टेकन बाई न्यू रूल्स, न्यू सिस्टम्स, न्यू कस्टम्स. नो सिस्टम इन द वर्ल्ड इज परमानेंट, कोई भी व्यवस्था संसार में अस्थाई नहीं होती है. न्यू सिस्टम लॉन्च होता है सोसाइटी में और वो प्लेस ले लेता है पुराने नियम का, पुराने कायदे का, पुरानी परंपराओं का. इट इज द लॉ ऑफ द नेचर, यह प्रकृति का नियम है. इट इज द लॉ ऑफ द नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, हिमसेल्फ कैपिटल से लिखा है और कैपिटल का मतलब ये हुआ कि ईश्वर के लिए. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, गॉड एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, खुद को प्रकट करता है इन मेनी वेज, कई तरीके से, मतलब क्या, कई रूप में. मतलब ये निकलता है कि गॉड डू इट, इस काम को करता है इन मेनी वेज, कई तरीके से करता है. देर आर सो मैनी वेज टू फुलफिल इट, इसको पूरा करने के कई तरीके हैं. जैसे क्यों करता है इसको, व्हाई नेचर इज नेसेसरी इन द सोसाइटी, समाज में परिवर्तन क्यों जरूरी है. बहुत अच्छी लाइन है, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट गुड वन गुड कस्टम, कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा, रीति रिवाज करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट कर दे. संसार को भ्रष्ट कैसे करे, आप सोचेंगे गुड कस्टम है, गुड ट्रेडिशन है, तो ये संसार को कैसे भ्रष्ट करेगी. मतलब क्या है, एवरी गुड सिस्टम या एनी गुड कस्टम कहिए, एनी गुड सिस्टम, गुड ट्रेडिशन लूजेज इट्स वैल्यू, लूजेज इट्स यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता को, अपनी वैल्यू को खो देती है, इफ इट लिंगर्स, इफ इट रिमेन्स लॉन्ग इन द सोसाइटी, अगर समाज में लंबे समय तक कोई परंपरा, रीति रिवाज रहे तो इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है. इट लूजेज इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू को खो देती है. इट ब्रिंग्स करप्शन, इसमें करप्शन आ जाता है, भ्रष्टाचार आ जाता है. सो इट इज नेसेसरी टू चेंज एवरी कस्टम एंड ट्रेडिशन, हर परंपरा को, सिस्टम को बदलना जरूरी है. इट इज द लॉ ऑफ द नेचर, ये प्रकृति का नियम है कि चेंज होना चाहिए. बताइए, चार लाइन क्लियर हुई, फिर से देखिए. स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू. एंड स्लोली किंग आर्थर एडवाइजेस टू सर बेडिवियर दैट नो सिस्टम, नो ट्रेडिशन इज परमानेंट इन द वर्ल्ड एंड चेंज इन द लॉ ऑफ द नेचर, प्रकृति का नियम है परिवर्तन करना. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, एंड दिस चेंज इज डन बाय गॉड इन मेनी वेज, कई तरह से ईश्वर इस कार्य को करता है. बिकॉज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, दिस चेंज इज डन बिकॉज एनी गुड कस्टम इफ इट लिंगर्स लॉन्ग इन द सोसाइटी, इट लूजेज इट्स वैल्यू, इट लूजेज इट्स यूटिलिटी, एंड इट ब्रिंग्स इन द सोसाइटी करप्शन, ओनली करप्शन, केवल भ्रष्टाचार ही लाता है. सो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू चेंज, और इसीलिए वो कहता है कि अगली लाइन में कि कम्फर्ट दाई सेल्फ बेडिवियर, कम्फर्ट दाई सेल्फ, अपने आप को क्या करो, एडजस्ट करो, अपने एडजस्ट योर सेल्फ, खुद को एडजस्ट करो. बिकॉज चेंज इन द
लॉ ऑफ द नेचर, प्रकृति का नियम है, एंड यू आर होपलेस, यू आर वीपिंग, यू आर नर्वस नर्वस दैट द सिस्टम हैज बीन चेंज, सिस्टम बदल गया, आई वॉज ए किंग बट नाउ आई एम फेटली वुंडेड, आई हैव बिकम हेल्पलेस एंड यू आर वीपिंग, और तुम रो रहे हो, टू सी माई बैड कंडीशन, नो डोंट वीप, डोंट वीप बेडिवियर, रो मत, हैव अ पेशेंस, धैर्य रखो, कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, का व्हाट आई कैन डू फॉर यू, का मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम फेटली वुंडेड, मैं खुद घायल हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट सपोर्ट यू, सो एडजस्ट योर सेल्फ टू द चेंज द कंडीशंस, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालो, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है, व्हाट आई हैड टू डू इन माई लाइफ, जो कुछ मैंने जीवन में मुझे करना था आई हैव डन इन माई लाइफ, एंड दैट विच आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ, जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया है, जो कुछ किया, आई डिड राइट और रॉन्ग, जो कुछ मैंने किया है, मैं ही कैपिटल से गॉड के लिए है, विद इन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ भी गॉड के लिए है, मेक प्योर, ही प्रेज टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता है, ओ गॉड व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ, जो कुछ मैंने जीवन में किया, प्लीज एक्सेप्ट इट, मेक इट प्योर, इसे पवित्र करो, पवित्र करो मतलब क्या है, ईश्वर उसको अपने आप में धारण करे, मे गॉड एक्सेप्ट दैट वर्क, उस कार्य को स्वीकार करे, इफ आई हैव डन रॉन्ग, अगर मैंने गलत किया है, मिस्टेक किया है, क्राइम्स किया है, सिंस किया है, ही शुड फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करे, एंड इफ आई हैव डन राइट, आई हैव डन नोबल वर्क, मे गॉड एक्सेप्ट इट, ईश्वर इसे स्वीकार करे और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करे, बिकॉज द एंड ऑफ माई लाइफ हैज अराइव्ड, मेरे जीवन का अंत आ चुका है, इसीलिए कह रहा है कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने जीवन जी लिया है, एंड वॉट आई हैव डन इन माई लाइफ, मे गॉड एक्सेप्ट इट, इफ आई हैव डन रॉन्ग ही शुड फॉरगिव मी, बट दाउ बिहेवियर, लेकिन तुम क्या करोगे, वॉट यू शुड डू फॉर मी, मेरे लिए क्या करोगे बिहेवियर, If thou shouldest never see my face again, if you never see my face again, अगर तुम्हें दोबारा मेरा चेहरा नहीं दिखाई दिया, if I die and never return, और मैं कभी लौट के नहीं आया, never meet you, कभी मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँ, अर्थात if I die, अगर मैं मर जाऊँ, तो what you should do, तुम क्या करोगे, कहा कि pray for my soul, का बेडिवियर, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, यू शुड प्रे टू गॉड, का ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड टू ब्लेस मी, टू फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करने के लिए, मेरी भलाई के लिए, यू शुड प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करो, मोर थिंग, अब क्यों करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, नाउ Arthur tells Bedivere the importance of prayer. प्रार्थना का महत्व बताता है. What is the importance of prayer? प्रार्थना का क्या महत्व है? बता रहा है. का more things are wrought by prayer. More things का बहुत सी चीजें are wrought. Are performed, many things, many works are performed by the help of prayer, प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्य हो जाते हैं, then this world dreams of, जितना के दुनिया सपना देखती है, सोचती है, we think, we imagine, but we fail to fulfill it, we fail to gain it, we fail to do it, हम न कर पाते हैं, उसको प्राप्त कर पाते हैं, There are so many things, but the prayer has power. प्रार्थना में वो ताकत है, it can rot. It can be rot by prayer, लेकिन प्रार्थना से आप पा सकते हो. Prayer has miracle. Prayer में चमत्कार होता है, miracle है.
चमत्कारी पावर है प्रार्थना में। इफ यू टेक द हेल्प ऑफ प्रेयर, अगर प्रार्थना की मदद लेते हो तभी होगा। तो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का महत्व है, ये ऑर्थर कहता है बेडिवियस। इनफैक्ट लाइन्स तो सर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, टेनिसन कहते हैं बट थ्रो ऑर्थर, ऑर्थर के द्वारा कहते हैं। प्रार्थना के बारे में ही अगली लाइन है कि फेयर फोर, इसलिए दैट इज वाई देयर फोर बेडिवियर लेट दाई वॉइस, अपनी आवाज को, लेट दाई वॉइस अपनी आवाज को राइज लाइक ए फाउंटेन, फाउंटेन की तरह उठने दो फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए रात दिन। सो बेडिवियर इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर मी, अगर मेरे लिए तुम कुछ करना चाहते हो तो प्लीज प्रे टू गॉड डे एंड नाइट फॉर मी लाइक ए फाउंटेन, जिस तरह झरना रात दिन चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। बेडिवियर इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग फॉर मी तो प्लीज डोंट वीप ओनली प्रे टू गॉड, कह केवल ईश्वर से प्रार्थना करो, रो मत। प्रेयर कैन डू एनीथिंग बिकॉज इट हैज डिवाइन पावर, इसमें दिव्य शक्ति होती है, प्रेयर कुछ भी कर सकती है। सो प्रे टू गॉड फॉर मी डे एंड नाइट लाइक फाउंटेन, फाउंटेन की तरह, झरने की तरह रात दिन मेरे लिए प्रार्थना करो। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर मी, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो। आगे कहता है फॉर वॉट आर मेन बेटर देन शिप एंड गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, फॉर वॉट आर मेन बेटर देन शिप एंड गोट्स, कहता है बेडिवियर टेल मी, मुझे बताओ फॉर वॉट, किस चीज के लिए, किस कारण मेन आर बेटर, मनुष्य अच्छा है, अपने को अच्छा समझता है, बेटर देन शिप एंड गोट्स, भेड़ बकरियों से। वी से दैट वी आर बेटर देन शिप एंड गोट्स, हम कहते हैं कि हम भेड़ बकरियों से अच्छे हैं, बट हाउ, हाउ वी आर बेटर देन एनिमल्स, हाउ वी आर बेटर देन शिप एंड गोट्स, भेड़ बकरियों से हम अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं। कहता है कि दैट नरिश, वह व्यक्ति जो नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, अपना अंधा जीवन पालता है विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क होते हुए भी, मतलब ए मैन या द पर्सन्स हु डू नॉट यूज देयर माइंड देयर ब्रेन इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, कहता है द मैन हु हैव माइंड दे डू नॉट यूज देयर माइंड, सीधा कहिए जो अपने मस्तिष्क का यूज नहीं करते हैं प्रॉपरली, एंड देयर लाइफ इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, फुल ऑफ डार्कनेस, अंधकार से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, दे आर लिविंग इन इग्नोरेंस, इन स्पाइट ऑफ ब्रेन दे डू नॉट यूज देयर ब्रेन, दे आर नॉट बेटर देन शीप एंड एनिमल्स, तो भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं है। दिस मैन इज कॉल्ड ब्लाइंड, और इसी आदमी को अंधा कहते हैं, किस आदमी को, इट हैज माइंड बट डू नॉट यूज, लेकिन यूज नहीं करते हैं, दे हैव माइंड लेकिन बट दे डू नॉट यूज, यूज नहीं करते हैं, बिकॉज माइंड कैन शो द राइट पथ, केवल मस्तिष्क ही सही मार्ग दिखा सकता है। इफ यू डू नॉट यूज योर माइंड यू आर लिविंग लाइक एनिमल्स, तो आप जानवरों की तरह जी रहे हो, यू आर नॉट बेटर देन एनिमल्स, ऐसे लोगों को कहा जाता है नर पशु, नर पशु, डॉक्टर राधा कृष्णन ने ऐसे लोगों कहा है कि दे आर नर पशु। इफ नोविंग गॉड, अगली लाइन कर, इफ नोविंग गॉड, अगर ईश्वर को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, दे डू नॉट लिफ्ट देयर हैंड्स टू प्रे, अगर हाथ नहीं उठाते हैं प्रार्थना के लिए। इफ वी नो दैट देयर इज गॉड, अगर हमें पता है कि ईश्वर है, एंड बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और ईश्वर के अस्तित्व में आप विश्वास करते हो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं,
यू नो दैट ही इज द सुप्रीम पावर, वही सर्वोच्च शक्ति है. तो वी मस्ट राइज अवर हैंड्स टू प्रे, तो हम प्रार्थना करें. वी मस्ट लिफ्ट अवर हैंड्स टू प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें अपने हाथ उठाने चाहिए. इफ वी नो दैट देयर इज गॉड, अगर हम मानते हैं ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो वी शुड प्रे टू गॉड, बिकॉज गॉड इज द यूनिवर्सल पावर, सुप्रीम पावर. ईश्वर ही सर्वोच्च शक्ति है. बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड. अब प्रश्न उठता है कि व्हाई वी शुड प्रे, हम प्रार्थना क्यों करें, या फॉर होम वी शुड प्रे, हम किसके लिए प्रार्थना करें. तो बहुत अच्छी लाइन बताया आप, बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड. वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, टू आवर सेल्फ, टू हिमसेल्फ. मैन शुड प्रे टू गॉड फॉर हिमसेल्फ, का खुद के लिए प्रार्थना करो. एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, जिनको आप दोस्त कहते हो, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर रिलेटिव्स, फॉर योर वेल विशर्स, अपने शुभ चिंतकों के लिए करो, अपने लिए करो, अपने रिश्तेदारों के लिए करो, मित्रों के लिए करो. यू शुड प्रे फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ, दोनों के अच्छाई के लिए करो. प्रे टू गॉड, बट प्रे टू गॉड, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना करो. इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है. फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, बट नाउ फेयर. कहता है फॉर, क्योंकि सो द होल राउंड अर्थ, क्योंकि जो राउंड अर्थ है जहाँ हम जी रहे हैं, द होल लाइफ जो हम जी रहे हैं ऑन द अर्थ इज, कितना बढ़िया बात कहा, एवरी वे हर तरह से बाउंड बाई गोल्ड चेन, सोने की जंजीरों से बधी हुई है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से बधी है. कितना बढ़िया बात है, होल अर्थ इज बाउंड, पूरी पृथ्वी बधी हुई है बाई गोल्ड चेन, सुनहरी जंजीरों. सब गोल्डन चेन क्यों कहता, व्हाट आर गोल्डन चेन, गोल्डन चेन इज द प्रेयर. सोने की जंजीर क्या है, यह प्रार्थना है. इफ यू टेक द हेल्प ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की मदद आपने लिया. प्रेयर इज लाइक गोल्डन चेन, चेन तो जानते हैं सबको अच्छी लगती है, लेकिन चेन अगर सोने की हो तो सबको प्रिय होती है. एंड प्रेयर इज अ गोल्डन चेन, प्रार्थना तो सोने की जंजीर है. इफ यू टेक द हेल्प ऑफ प्रेयर यू कैन रीच गॉड, आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो. विदाउट प्रेयर यू कैन नॉट रीच देयर, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते. बिकॉज द होल राउंड अर्थ एवरी वे बाउंड बाई गोल्डन चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, गॉड इज इन हेवन. ऐसे समझिए, ईश्वर अगर स्वर्ग में है, वी आर ऑन अर्थ, हम धरती पर हैं, तो हाउ वी कैन रीच देयर, हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे हमारा संबंध हो सकता है ईश्वर से. तो वहां तक स्वर्ग से धरती तक जो माध्यम है, इट इज द प्रेयर, यह प्रार्थना है. इफ वी टेक द हेल्प ऑफ प्रेयर वी कैन रीच गॉड, एंड प्रेयर इज लाइक अ गोल्डन चेन, और प्रेयर सुनहरी जंजीर जैसी है. बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा, बेडिवियर को फेयरवेल करते हैं, गुड बाय कहते हैं किंग आर्थर, एंड गोज टू द अवेलियन आइलैंड, और फिर अवेलियन आइलैंड को चले जाते हैं. एक बार मैं पूरी जो है पोयम शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखें. एंड स्लोली answered from the bar, told Arthur change yielding place to new, and God fulfills himself many ways, lest one good custom should corrupt the world. And slowly King Arthur answers from the light boat to Bedivere, and tells him that old order change yielding place to new. It is the law of the nature that old order customs are changed, and their place is taken by new system, new rules. And God fulfills himself many ways,
एंड इट इज डन बाय गॉड इन मेनी वेज लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड द चेंज इज नेसेसरी अदरवाइज इफ इट रिमेन्स ए गुड कस्टम रिमेन्स इन द सोसाइटी फॉर लॉन्ग टाइम इट लूजेज इट्स वैल्यू एंड बिकम्स द सोर्स ऑफ करप्शन और भ्रष्टाचार का स्रोत बनना शुरू हो जाता है सो इट इज चेंज ये पहला स्थान जाता दूसरा देखिए कम्फर्ट दाई सेल्फ व्हाट कम्फर्ट इज इन मी आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिम सेल्फ मेक श्योर कहा सर बेडिवियर तो कहता है कि कम्फर्ट दाई सेल्फ हैव पेशेंस डू नॉट वी एडजस्ट योर सेल्फ टू द चेंज कंडीशंस व्हाट कम्फर्ट इज इन मी आई कैन डू नथिंग फॉर यू आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन मे हिमसेल्फ मेक श्योर व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ ही प्रेस टू गॉड कि व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ मे गॉड एक्सेप्ट इट इफ आई हैव डन रॉन्ग ही शुड फॉरगिव मी बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन बट बेडिवियर इफ आई नेवर रिटर्न इफ यू डू नॉट सी माई फेस अगेन मेरा फेस दोबारा नहीं देखते इफ आई डाइड टू व्हाट यू शुड डू का प्लीज प्रे फॉर माई सोल प्रे टू गॉड फॉर माई सोल मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो बिकॉज मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ मोर थिंग्स आर रॉट बिकॉज बाई द हेल्प ऑफ प्रेयर वी कैन डू सो मैनी थिंग्स मोर थिंग्स दैन वी इमेजिन बिकॉज प्रेयर हैज डिवाइन पावर वेयर फोर लेट दाई वॉयस Let thy voice rise like a fountain for me night and day. So, Bedivere, let your voice rise day and night continuously for me, for prayer, like a fountain. For what are men better than sheep and goats that nourish a blind life within the brain? Bedivere, if men nourish their life, blind life, they are not better than animals. If they have brain, in spite of having brain, they do not pray to God. If clear and clear, correct. If knowing God, they lift not hands. If we know that there is God, we know the existence of God, yet we do not pray to God. We are living like animals. तो हम जानवरों की तरह जी रहे हैं. तो we are not better than animals. हम जानवरों से अच्छे नहीं हैं. Both for themselves and those who call them friend, whom for whom we should pray, हम किसके लिए प्रार्थना करें का we should pray to God for our friends as well as for ourselves, हम अपने लिए प्रार्थना करें अपने मित्रों के लिए relatives के लिए प्रार्थना करें for so the whole round earth is everywhere bound by golden chains about the feet of God का because प्रेयर क्यों करना चाहिए एक और रीजन बताता है क्योंकि गॉड बिटवीन गॉड एंड मैन मनुष्य और ईश्वर के बीच में देयर इज अ गोल्डन चेन एक सोने की जंजीर है विच इज द मीन्स विच बाय हेल्प द प्रेयर और इसके द्वारा प्रार्थना के हेल्प से वी कैन रीच गॉड हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं बिकॉज गॉड इज इन हेवन एंड वी आर ऑन अर्थ हम धरती पर हैं ईश्वर स्वर्ग में हैं एंड गोल्डन चेन मीन्स प्रेयर कैन हेल्प अस रीच देयर वहां पहुंचने में हमारी मदद कर सकती है सो वी मस्ट प्रे टू गॉड फॉर द बेटरमेंट फॉर अवर सेल्फ एंड एज वेल एज फॉर अवर फ्रेंड्स बट नाउ farewell but Bedivere now farewell I go to Avalian Island ab main Avalian Island ja raha aur poem samapt hoti is tarah poem complete hui ek ek stanza ek ek line karke maine aapko explain kiya aasha hai aapko poem zarur pasand aayi hogi yadi aapko kahin confusion ho to please comment zarur kijiyega main fir try karunga dusri bar fir aapko explain और डिटेल में करके देने का और यदि पोएम अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पोएम के साथ